जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। मित्रों, ये एक सच्चा वीडियो है और ये उन लोगों के लिए एक जवाब है जिन्हें बागेश्वर धाम पर शक है। आज के 10 दिन पहले रात के 11 बज रहे थे, दरबार अपने चरम पर था। फिर अचानक क्या होता है, बागेश्वर धाम अचानक कहाँ निकलने लगे थे, क्या दरबार में जवाब देना भारी पड़ रहा था, गाड़ियों की लाइन लगती जा रही थी, कहाँ जाने लगे थे अचानक रात में, आइए देखते हैं पूरी वीडियो में। और वीडियो पर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में प्यारा कमेंट करना। भक्तों का हुजूम मंदिर और बागेश्वर धाम के प्रांगण में अनवरत बना हुआ था। करीब 4 से 5 हजार लोग अभी भी गुरुदेव के दर्शन के लिए इंतजार कर रहे थे। अचानक गुरुदेव ने एक सेवक को बुलाया और गाड़ियों को निकालने का आदेश दिया। सेवक ने गुरुदेव से पूछने की जिज्ञासा नहीं की, अचानक सोचने लगा, गुरुदेव को क्या सूझा, ये रात में गाड़ी क्यों निकलवा रहे हैं, आइए पूरी वीडियो के माध्यम से आप देखें और समझें। एक सेवक को बुलाया और कहा, सारथी को बोलो कि गाड़ी निकाले। सब में हड़कंप मच गया, सभी सेवक व्यवस्था में लग गए। सबको लगा कि महाराज जी कहीं कोई विशेष कार्य से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उन दिनों यज्ञ का कार्य चल रहा है। देखें पूरी वीडियो देखें और खतरनाक वीडियो होने वाली है। अब जो बताने वाले हैं आप समझ के होश उड़ जाएंगे आपके, और आप हैरान रह जाओगे उस बात को समझने में। और देखें पूरी वीडियो देखें तभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए पूरा माजरा देखें बागेश्वर धाम का क्या हुआ रहा था। और गुरुदेव ना तो दिन में आराम कर रहे थे और ना ही रात में। गाड़ियों का काफिला निकला, किसी को ये मालूम नहीं था कि कहाँ जाना है। एक बहुत ही प्रिय शिष्य ने साहस करके पूछा कि गुरुदेव कहाँ जा रहे हैं। साक्षात भगवान भी आ जाते साक्षात, तो वो भी ऐसा काम नहीं करते। अचानक बागेश्वर धाम को बैठे बैठे क्या सूझा, आप भी पूरी वीडियो के साथ देखें और समझोगे, तभी आपको विश्वास होगा बागेश्वर धाम के बारे में, अन्यथा ना देखोगे तो नहीं होगा। तो गुरुदेव ने चौंकाने वाले अंदाज में कहा कि कोई मेन रोड पर मेरा इंतजार कर रहा है, चलो। करीब 5 किलोमीटर दूर अचानक गुरुदेव ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने का आदेश दिया। बिल्कुल सुनसान इलाका, अंधेरी रात। देखा, ऐसे होते हैं गुरु, ऐसे होते हैं गुरु के रूप में भगवान, ऐसे होते हैं गुरु जी के दर्शन। आगे आप पूरा देखोगे माजरा, आपको पूरा वीडियो देखोगे तभी पता चलेगा और तभी समझ पाओगे आप इस वीडियो को। वहाँ सिर्फ 3 लोग बैठे हुए थे रोड के किनारे। गुरुदेव वहाँ जाकर बैठ गए। एक बुजुर्ग जो कि 60 किलोमीटर से पैदल चला आ रहा था, वो भी 3 दिन से भूखा प्यासा, घर से लड़कर वो पैदल चल पड़ा। कैसे बागेश्वर धाम से प्रेम हो जाता है, कैसे लोग विश्वास कर रहे हैं, कैसे बागेश्वर धाम पहुँच रहे हैं, क्यों पहुँच रहे हैं, अनजान जगह में रातों को बागेश्वर धाम से मिलने के लिए पहुँचने चले जाते हैं। बागेश्वर धाम पर विश्वास करते हैं तो आप लाइक करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चल पड़ा था, उससे गुरुदेव मिलने आए थे। सबसे मजेदार बात यह कि वो बुजुर्ग गुरुदेव को पहचानता तक नहीं था। हाथ में झंडा और बागेश्वर धाम का नाम लेकर वो निकल पड़ा था घर से। उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। जब गुरुदेव को ये आभास हुआ तो गुरुदेव ने प्यार बरसाना प्रारंभ कर दिया। प्यार बरसाने में क्या क्या गुरु महाराज जी ने दिया, ऐसा प्यार अगर आप लोगों को मिले तो क्या करोगे, आप तो धन्य हो जाओगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपकी जो मेहनत की है बागेश्वर धाम जाने की वो पूरी हो जाएगी। तो वो स्वयं उसको दर्शन देने के लिए पहुंच गए। सिर्फ उसको दर्शन ही नहीं दिया, उनके साथ बैठकर आइसक्रीम भी खाई और उन्हें खिलाया भी, उनके सभी दुख दर्द को दूर भी कर दिया। सही कहा है कि अगर सच्चे मन से अपने भगवान को याद किया जाए तो वो जरूर आते हैं। और बागेश्वर धाम मुस्कुराने लगे और भक्तों को भी देखने लगे, जो उनके साथ सेवकदार आए थे वो भी उनको भी देखने लगे। ये अभी तक पागल समझ नहीं पाए मुझे, अरे हाँ। तो भगवान खुद आपके पास चले आते हैं, ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। हमारे गुरुदेव कितने सरल और अविरल प्रिय हैं, इस तस्वीर से आपको महसूस हो रहा होगा। तो चलिए एक बार प्रेम, आप चाहते हो हम बागेश्वर धाम के बारे में वीडियो आपके लिए लाते रहें, बागेश्वर धाम के चर्चाओं की आपको वीडियो लाते रहें, आप बागेश्वर धाम से प्रेम करते हो, सन्यासी बाबा को मानते हो, तो बालाजी को मानते हो, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं आपको कैसी लगी वीडियो बागेश्वर धाम की। प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम की जय, बागेश्वर सरकार की जय। कमेंट में जरूर बागेश्वर धाम और जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी। जय हिंद।